लड़की को बुलाता हूँ, मैं उसको पहले ही समझाया था भाई वहाँ तुम्हारी शादी करा रहे हैं, वहाँ तुम शांति से रहना। मैंने कहा ठीक है, वो सिर्फ मानती मुझे थी, बाकी किसी को नहीं मानी। मैंने उसको धन्यवाद दूंगा, मेरी बात मान। उसको बुलाया, तलब किया, भाई ऐसे क्यों मारा इसको? बड़ा साहब जी ऐसा ये लोग हैं हलवाई, मिठाइयाँ बनाते रहते हैं गुरु जी, इसकी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, कभी खोआ बनाती रहती है, कुछ कभी कुछ करती रहती हूँ। मैं बीमार थी, सरकारी मुझे आकर बोला पड़ी हुई है, बिना गुजारे जो करे सो पीछे पड़ता है, सो पीछे पड़ता है, सीखने से अजी अरे चालू हो जाएगी कढ़ाई। अब लड़की भी खराब नहीं होती, लेकिन दिमाग थोड़ा कमजोर था। मेरा बंदा मुझे मदद के लिए आया, इसने खींच कर एक पेट में लात मारी, मेरा बंदा मर के बनी नहीं, फिर मेरा बेटा आया। गुरु जी बेटे को भी वो मरोड़ा भिड़ गई, उससे बेटे की गठरी बन गई, तो हम इसको दादा देखो सारी शादी हो गई। और मैं पहले ही बताया था कि ये थोड़ी दिमाग से कमजोर हो, आपने कहा कोई बात नहीं। वाह क्या बात है, ऐसा तो हमने किया नहीं था, मुझे कितना याद आ गया। एक शराब शराबी नशे में लुप्त था, लेकर झुक कर नहीं देख रहा था, काफी देर से मैं ऐसे देख रहा था। एक सज्जन आदमी वहां से गुजरा, बोला भैया क्या कुछ गुम हो गया, क्या देख रहे हो? धरती घूम रही है, पूरा शहर घूम रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरा घर आ जाए कर घूम रहा हूँ, ये क्या मसला हो गया? भौतिक क्षमता इतनी कम हो गई, ये हमारे स्नेह बन का खेल है। तो बंदो इस प्रकार से छोटे स्थान अंश के रूपा एक आत्मा का प्रकाश पास होना शुरू रहता है, कितनी ताकत आ जाती है। आपको उदाहरण देता हूं, विश्व व्यक्त से ही देवता लोग भी डरते थे, वशिष्ठ जी से भी देवता लोग डरते थे, इंद्र डरते थे, यह आत्मा सतस्यते सतस्यन्ति, ये चींटी की शरीर को भी वाहन करती है, हाथी को भी वाहन करती है, क्या बात है आत्मा। और ये आत्मा सबके समान रूप से जब इंसान मुकाम हक तक पहुंचता है, प्रभु तक, सतलोक तक, उसका गमन खत्म हो जाता है। हम वर्तमान में क्या देखते हैं, कैसे इज्जत करते हैं, सुसुप्त की अवस्था बहुत भ्रांत अवस्था है, यह अज्ञान का अवस्था है, इसी सुसुप्त के पेड़ पौधे हैं। और स्वप्न अवस्था में पशु है, जागृत में मानव है, और प्रज्ञावस्था में देवता लोग है, उसमें अभी से 1000 गुना ज्यादा शक्ति और ज्ञान है। और प्रिया की महाप्रिया उसमें योगेश्वर है, एक ब्रह्मांड की व्यवस्था करने की ताकत आ जाती है। ये जाकर साहब कह रहे हैं भद्र दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, कहे कभी धनराज से यही जीव यही शिव। और सतगुरु को पहुंचने के बाद आत्मा का प्रकाश होना शुरू होता है, खासतौर से एक सूर्य पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है, खोलश भान अंश पूर्ण रूपा
मैं कल से अज्ञान की शक्तियों का नाश ही हो रहा हूँ। आज मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूँगी। शशि ठाकुर के साथ